मिर्जापुर से बिहार महापंचायत का आयोजन इमीडिया चिट्ठी स्थित एक स्कूल में हुआ। बिहार महापंचायत को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता रामचंद्र बिहार ने दिया बड़ा बयान और कहा बिहार समाज के चंद नेताओं ने समाज को बेचने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा पर जोर डालते हुए कहा कि आप सभी को अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे अपने समाज की आवाज को बुलंद कर सके। हमारे समाज की अगुवाई करने वाले चंद नेताओं ने सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए समाज का इस्तेमाल किया है, समाज को बेचने का काम किया है। अब जरूरत है समाज के ऐसे गद्दार नेताओं से सतर्क रहने की। जब यह देश गुलाम था तब देश के लोगों को अंग्रेजों द्वारा सताया जा रहा था, अत्याचार किया जाता था। तब देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज बनकर मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां आदि ने आपस में मिलकर देश के अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। आप सभी को बिहार समाज के लोग एक होकर लड़ने का काम करें। आप अगर बिहार जाति के हैं तो बिहार ही लिखें, राजभर मत लिखें। बिहार समाज की अगुवाई करने वाले कुछ नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए बिहार समाज का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। हमारी पहचान बिहार से ही है। जिस दिन आप बिहार समाज का एक दल बनाकर अपने समाज के लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे तो आपका प्रतिनिधि बिहार समाज की आवाज विधानसभा में उठाने का काम करेगा। महापंचायत में बिहार समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग भी की गई है। मिर्जापुर से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम बिहार महापंचायत का हमने इसलिए रखा था कि बहुत बड़ा मेरा समाज है, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, महुदेवरिया, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ऐसे सारे जगह मेरा बिहार समाज है। लेकिन बिहार समाज मेरा बिल्कुल गरीब समाज है, आलू करना, ईटा पत्थर की खुदाई करता है और इधर देश के अगले प्रांत तक, इधर तमिलनाडु और सारी जगह जाकर के हमारा समाज काम कर रहा है। बिल्कुल समाज हमारा गरीब है और हम इधर मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र की 8 विधानसभा की सीट पर अधिक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जिस दिन यह बिहार समाज मेरा मन बना लेगा कि नहीं मैं 8 विधानसभा में कड़ी टक्कर दे सकता हूँ, तो चुनाव जिताने और हराने का ताकत रखता है और 8 विधानसभा पर बिहार जाती है। ऑलरेडी बिहार महासभा का एक संगठन चल रहा है, इसके बाद ही दूसरा संगठन क्या? क्योंकि मैं लालता बिहार के साथ काफ़ी लंबे समय से 30 साल तक रहा उनके साथ, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि अगर यह धक्का मुझे 5 साल पहले दे दिए होते तो हमें विश्वास है कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार रनिंग पर है। और 5 साल पहले अगर ये हमें धक्का दे दिए होते तो हमें लगता था कि मैं भी एक संगठन बना करके आज समाजवादी पार्टी के साथ अगर होता तो हमको लगता है कि हमें भी बिहार समाज के जो नेता हैं, जो समाज के उत्थान की बात करते हैं, कुछ कर पा रहे हैं इस तरीके से? मेरे साथ धोखा किया है, जबकि हम कहा है।